हम सभी को आत्मचिंतन करना चाहिए। अपने जीवन के बारे में कि हम कैसे जिए। आदमी बहुत कुछ सोचता है, कैसे मकान बनाए सोचता है, कैसे पढ़ाई करे सोचता है, कैसे अच्छे पद और प्रतिष्ठा मिले ये सोचता है, कैसे कपड़ा पहनने, कैसे मकान का डिजाइन हो, कैसे बेडरूम हो, कैसे किचन हो। आदमी बहुत कुछ सोचता है, पूरा जीवन का जो मुख्य केंद्र होता है कैसे कैसे में बीत जाता है, कैसे 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 मकान कैसे करना, ये करना वो करना, पूरा केंद्र सब कुछ बीत जाता है, लेकिन जो मूल काम है ना वो छूट जाता है। कैसे जिए इस पर कभी आत्मचिंतन होता है? कैसे जिए इसके लिए तो टाइम ही नहीं है। गाड़ी के लिए टाइम है, मकान के लिए टाइम है, संपत्ति के लिए टाइम है, धन दौलत के लिए टाइम है, पढ़ाई के लिए टाइम है, नौकरी के लिए टाइम है, क्या कैसे जिए इसके लिए भी आपके पास टाइम है? और यही एक 24 घंटा में से 1 से 2 घंटा कैसे जिए इस पर टाइम नहीं देते हैं, इसी बदौलत 1-2 घंटा टाइम नहीं निकालते हैं, इसीलिए आपका 24 घंटा बिगड़ जाता है। आपका 24 घंटा बिगड़ जाता है 1-2 घंटा सही नहीं किए, इसलिए वो 24 घंटा गलत दिशा की ओर डाइवर्ट हो जाता है। और जब हम सुबह से उठते हैं तब से हम झल्लाना शुरू कर देते हैं। क्या यही जीने की तरीका है? जैसे बिस्तर से उठते हैं तेज आवाज कर कसे आवाज में बोलना शुरू कर देते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आत्मचिंतन नहीं किया कैसे जिए। हमने नहीं सोचा कि कैसे जीना चाहिए, इस पर सोचा ही नहीं हमने। बस हम जो चाहते हैं वो हो, हम कैसे जिए अगर ये चीज को केंद्र में रखते तो हम क्रोधित होते, हम क्षोभित होते, एक दूसरे से गाल फुलाते, एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते, क्योंकि हमने आत्मचिंतन नहीं किया इसलिए लड़ते और झगड़ते हैं। पूरा जीवन बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है, और मुख्य काम है कैसे जिए, यह काम बच जाता है, यह मुख्य चीज बच जाता है। और इसी का परिणाम है कि हमारा बाहर से हर कुछ व्यवस्थित दिखता है, गाड़ी अच्छा दिखता है, मकान अच्छा दिखता है, कपड़ा अच्छा दिखता है, एयर कंडीशन बंगले हैं, एयर कंडीशन गाड़ियां हैं, एयर कंडीशन मकान है, अच्छी एजुकेशन है, लेकिन अंदर अंदर तो भीतर भया भंगार, एकदम खालीपन, एकदम खालीपन, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मचिंतन हुआ ही नहीं है कैसे जी इस पर। जिस पर चिंतन हुआ वो चीज मिला है। कैसे पढ़ाई करे इस पर चिंतन हुआ, अब अच्छी डिग्री मिल रही है। जो बच्चे कल 100 में 30 नंबर 40 नंबर लाते थे उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया, अब वो बच्चे 80 नंबर 90 नंबर 95 और 99 नंबर तक ला रहे हैं, क्योंकि उस पर ध्यान दिया। मकान पहले खप्पर का होता था, अब आदमी का दिमाग गया कि कैसे मकान बनना चाहिए, अब मकान बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग खड़ा होता चला गया, क्योंकि आदमी ने उस पर ध्यान दिया। पहले आदमी बैलगाड़ी से चलता था, अब आदमी के पास एरोप्लेन आ गया, क्योंकि ध्यान दिया उस पर। पहले आदमी जो यात्राएं साल भर में 2 साल में करता था, उन यात्राओं को अब 1-2 घंटा में तय करता है, क्योंकि आदमी ने उस पर काम किया, उस पर काम किया।
पहले आदमी कल्पना भी नहीं करता था कि हम यहाँ बैठे बैठे हजारों हजारों किलोमीटर लोग बाहर दूर बैठे उन लोगों से हूबहू हम बात कर सकते हैं, आमने सामने जैसे खड़े हों वैसे बात कर सकते हैं। पहले सोचते भी नहीं थे, लेकिन चिंतन उस पर धीरे धीरे हुई और आज हम वो बात कर सकते हैं। किस पर काम किया गया? जिस पर काम किया गया वो सफलता मिली। और आप सब भी काम करते हैं। आप सबके यहाँ पहले संपत्ति कम थी, आप सबके यहाँ संपत्ति बढ़ी। आपके यहाँ पहले खप्पर का मकान था, बिल्डिंग हो गए। आपके यहाँ पहले साइकिल था, आप गाड़ी हो गया। आपके यहाँ पहले टीवी नहीं था, अब एलसीडी लग गया। आपके हाथ में पहले मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल हो गया। क्या इतना विकास तो हुआ, लेकिन कैसे जी? इस पर भी विकास हुआ है? इस पर विकास नहीं हुआ है। जीवन बेडौल होता चला गया, जीवन अव्यवस्थित होता चला गया। हमारी बाहर की सुंदरता बनती चली गई और भीतर एकदम खालीपन होता चला गया, भीतर में कालूस भरता चला गया। कैसे जी? इस पर विचार नहीं किए हमने। एक विषय मात्र सब कुछ तो किया। किसी संत ने कहा कि हमने सब कुछ जाना, दुनिया को जाना, लेकिन अपने आप को नहीं जाना, तो सारा जानना बेकार चला गया। सब कुछ किए हमने, लेकिन एक काम नहीं किए, और वही जो मूल काम था जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, उसी काम के लिए हम पिछड़ गए हैं। पिछड़ गए हम, बहुत पीछे चले गए हम। और उसके परिणाम, उसका परिणाम क्या है? कलह पर कलह पूर्ण जीवन जी रहे, बस कलह पूर्ण। खाने के लिए कमी नहीं है, पहनने के लिए कमी नहीं है, कपड़े हैं, मकान है, घर है, बंगले हैं, घर में सोफा सेट है, टीवी सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। कोई सुकून की चैन की जिंदगी नहीं है। तब अंतिम में क्या कहता है आदमी? इससे अच्छा तो एक अच्छा आदमी है जो झोपड़ी में रह करके सुकून की जिंदगी जीता है, तो झोपड़ी में चले जाना चाहिए। कौन बनाया है आदमी को दुखी? कौन करता है आदमी? अपने ही विचारों की वजह से आदमी गलत होता है। अपने ही निगेटिव थिंकिंग के वजह से, अपने ही गलत विचार के वजह से आदमी गलत ओर तक चला जाता है, और परिणाम क्या होता है? दोष दूसरे को देते हैं। ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, मेरा कहा नहीं मानते हैं, ये कहा नहीं मानते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। इतनी शिकायत, शिकायत, शिकायतों का बाउंडर लग जाता है। और जिस आदमी के पास शिकायत है ना, वो आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता है, कभी सुखी नहीं रह सकता है। सिकवा और शिकायत से जीवन दुख बढ़ता चला जाता है। और हम वही काम करते हैं, हम वही काम करते हैं, हमेशा शिकायत, शिकायत। और ये शिकायतें से पता चलता है कि हम बाहर का काम करते हैं, आंतरिक काम नहीं किए हैं। और यही आंतरिक काम नहीं किए मतलब हमने धर्म काम नहीं किया है। और धर्म यही है, अंदर का मलहम करना, आंतरिक मन मन का विचारों का मलहम पट्टी करते जाना। और ये काम नहीं किया मतलब हम बाहर बस मलहम पट्टी कर रहे हैं, बाहर बस सजो रहे हैं, बाहर रंगन रंगीन कर रहे हैं, और अंदर को कालूष बनाते चले जा रहे हैं। हम अपने जीवन के 24 घंटे में से 24 घंटे में से कितना 24 में 24 घंटा पूरी की पूरी शक्ति अपने बाह्य जीवन के लिए लगा देते हैं। क्या हम कभी अपने आंतरिक जीवन के लिए भी घंटा भर समय दे पाते हैं? आंतरिक जीवन के लिए भी कभी आत्मचिंतन होता है? कितनी भी गलतियां हम खुद कर ले, लेकिन हमेशा शिकायत रहती है कि गलती हम नहीं करते हैं, गलती हमारे साथी करते हैं, हमारे गुरु भाई करते हैं, या हमारे मम्मी पापा करते हैं, या हमारे दादी दादा, या हमारे सास ससुर, या हमारे बहू बेटा गलतियां करते हैं। हम गलतियां नहीं करते हैं। और जब आदमी को दूसरी की बस गलती दिखती है ना, वो आदमी को सुकून कभी नहीं मिल सकता है, सुकून कभी नहीं मिल सकता है। और इसीलिए धर्म का काम नहीं हुआ, इसीलिए तो सत्संग के प्रति रुचि घटती गई। और जिसको सत्संग के प्रति भी रुचि नहीं, वो धर्म से और दूर होता चला गया। और जो धर्म से और दूर होता चला गया, आंतरिक मलहम तो हुआ नहीं, अंदर का मरम्मत तो किया ही नहीं, बाहर ही मरम्मत में लगे रहे। और बाहर के मरम्मत इतना बढ़ता चला गया कि अब उसी में उलझता चला गया आप जीवन, पूरा जीवन उलझते उलझते बीत गया। जीवन में कोई विकास नहीं कर पाया। अंतिम में जब बुढ़ापे की स्थिति आती है तो लगता है मैंने कुछ नहीं कर पाया, मेरा जीवन खोखला रह गया,
मेरे जीवन में जो कमाई करना चाहिए था वो कमाई नहीं कर पाया, मैंने तो संपत्ति को बटोरा, संपत्ति कमाया, जीवन की कमाई नहीं कराया। इसलिए मैं कहा हम जो चीज चाहते हैं वो चीज मिलता है। आप देखे होंगे आप बच्चों को कितना ध्यान देते हैं, बच्चे पढ़े लिखे अच्छे एजुकेशन हो, अच्छे नौकरी पाए, और बदौलत क्या होता है आपके बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, अच्छे लिखते हैं, अच्छे पैसा कमाते हैं, लेकिन जीवन व्यवस्थित होता है नहीं होता है, नहीं होता है। आपके ही बच्चे आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको एक पार्ट है जो मुख्य पार्ट है उसके बारे में तो आपने सिखाया ही नहीं है। कैसे जिए एक मुख्य जीवन का विषय है, इस विषय के बारे में सिखाया नहीं आपने। बच्चे को सिखाया कैसे पढ़ाई करना है वो पढ़ा, कैसे पैसे कमाना है वो कमाया, कैसे मकान बनाया है बनाया, कैसे घर चलाना है अच्छा दिखना चाहिए मकान वो सुंदरता स्थापित किया आपने। एक मुख्य विषय उसके बारे में बच्चे को इंगित ही नहीं कराया। आपके घर के 24 घंटा का समय निकल जाता है, 24 घंटा क्या 24 साल बीत जाता है, घंटे भर बैठ करके कभी आपस में चर्चा नहीं होती है कि हम लोगों को कैसे जीना चाहिए, इस पर आत्मचिंतन होता ही नहीं है, आत्मचिंतन होता ही नहीं, बस बाहरी सजावट, अव्यवस्थित जीवन, अव्यवस्थित जीवन, और अव्यवस्थित जीवन सफल जीवन की पहचान नहीं है, सफलता की पहचान नहीं है। और अधिकतम जिसे हम देखते हैं कि जिसे हम व्यवस्थित लोग कहते हैं, जिसे सफल लोग कहते हैं, वही लोग ज्यादा असफल होते हैं और ज्यादा व्यवस्थित अव्यवस्थित होते हैं। उसका परिणाम कैसे है, पता कैसे चलता है, आप जैसे ही घर में प्रवेश करेंगे मकान चमक रहा है, डाइनिंग रूम चमक रहा है, बेडरूम चमक रहा है, लेकिन आप प्रवेश करते गए, प्रवेश करते गए, कहीं गलती से किचन में प्रवेश कर गए, तो जो बड़े बड़े घर कहते हैं, पैसे वाले कहते हैं, व्यवस्थित आदमी कहते हैं, प्रवेश कर गए किचन में ना, तो जिसे हम धार्मिक लोग कहते हैं, सत्संगी कहते हैं ना, चाहे कबीरपंथी हो, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे गायत्री वाले हो, सुबह का चाय पिए हैं, चार घंटा बर्तन में मक्खियां भिनभिना रही है, ये अव्यवस्थित जीवन का पहचान है। सफाई खुद को करना है, हम दो मिनट में वो काम कर सकते हैं, लेकिन उस काम को क्या करते हैं, हम 6 घंटा बाद, हम 6 घंटा पीछे चले जाते हैं, एक बैग 6 घंटा पीछे चले जाते हैं। हम सुबह बिस्तर से उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, हमारा शुरू का जीवन ही पीछे चले जाता है। जैसे बिस्तर से उठते हैं तो बिस्तर से उठने के बाद में पानी पीना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, स्नान करना चाहिए, तो हम पीछे डालते जाते हैं, चलो इसको बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। और जब हम स्नान करते हैं ना तो हमारे शरीर में तरोताजगी आती है, हम फ्रेश हो जाते हैं, पूर्ण रूप से रिफ्रेश हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक एक्टिविटीज बढ़ जाता है, एक्टिविटीज को अच्छे ढंग से करने की, क्रियाकलाप को करने की हमारे अंदर एनर्जी मिल जाती है, लेकिन हम वो काम नहीं करते हैं, पीछे डाल देते हैं, चलो इसको बाद में कर लिया जाएगा। और वही बात करते करते, बात करते करते, आप देखे होंगे आपके घर के एक छोटे से चाय और कम चम्मच है ना, वो 6 घंटा पीछे चला जाए, आपके जीवन को पीछे कर देता है, 6 घंटा बैग आप कितने पीछे चले, अव्यवस्थित जीवन का पहचान। सुबह नहाते हैं 8 से 10 बजे नहाते हैं, नहाना तो सुबह बिस्तर से उठने के बाद ही तुरंत नहा लेना चाहिए, घर की सफाई होते ही, लेकिन नहीं नहाए, और नहा भी लिए तो क्या मजाल है कि बाथरूम साफ हो, नहा लिए तो 8 घंटा वो बाथरूम में कपड़ा पड़ा रहेगा, पत्नी आएगी या घर के नौकरानी आएगी तो बर्तन, हम इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, ये अव्यवस्थित जीवन का परिचय है ये, और यह किसी विशेष के लिए नहीं, हम सबकी परिचय है, हम सबके घर। आप देखे होंगे जिस आदमी के घर में बाथरूम नहीं है वो कहीं जाकर के नहाता है, तुरंत कपड़े धो करके आता है, दूसरे जगह जाने के बाद भी वो तुरंत काम कर लेता है, लेकिन थोड़ा सी पर्सनालिटी बढ़ी, और पर्सनालिटी बढ़ी आपके घर में बाथरूम हो गया, बाथरूम हो गया, इसका परिणाम क्या हुआ, आप 8 घंटा पीछे चले गए। कैसे देखिए हमारे साथ में कैसे क्रियाएं हो रही, हम अपने जीवन को कैसे पीछे ओर ले जा रहे हैं, क्या यही जीने का तरीका है, क्या यही बच्चे को आप सिखाएंगे, क्या आने वाले पीढ़ी यही सीखेगी। मैं बहुत ऊंची आत्मा और परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं, एक साधारण सी बात है, हम कितने पीछे चले जाते हैं, जीने की तरीका हमको नहीं आता है, बोलते हैं तो कैसे कड़वे शब्द बोलते हैं, और कड़वे शब्द ही नहीं बोलते हैं,
हम अपने व्यवहार खराब कर देते हैं, हम अपने साथियों के साथ में दुश्मनी का भाव कर लेते हैं, हम अपने ही पिता और पुत्र के साथ में, बहू और बेटे के साथ में दूरियां बढ़ा लेते हैं, एक कटु शब्द बोलते हैं, परिणाम दूरी बढ़ती चली जाती है। कैसे हो गए फिर? अब 6 महीना पीछे चले गए, 6 महीना पीछे चले गए, आपने एक कटु शब्द कहा, अब 6 महीना सास और बहू में बात होना बंद, 6 महीना पीछे चले गए। क्या यही जीने का तरीका है? हम जीवन को व्यवस्थित करें, व्यवस्थित करें। अब कुछ लोगों को तो इतनी भी फुर्सत नहीं होती है कि कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब काम करना चाहिए। अपने जीवन को हम पीछे लेते जा रहे हैं, पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। पहले के जमाने में लोग, पहले जब मुर्गी आवाज देती थी कुकरुंकू की आवाज देती थी तो बिना घड़ी के उठ जाते थे, बिना घड़ी के उठ जाते थे। अब घड़ी है, घड़ी में अलार्म भरा है, घड़ी का अलार्म बजता है, घड़ी का अलार्म आप करते हैं, फिर साइलेंट सो जाते हैं। हम अपने को खुद पीछे धकेलते हैं। हम क्या यही जीने का तरीका है? क्या यही आप बच्चों को सिखाएंगे? एक आदमी शराब पीता है, एक आदमी शराब पीता है, और मैं समझता हूँ यहाँ कोई शराब नहीं पीते होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ पीते भी हैं। तो शराब बस नहीं पीते हैं, शराब पीते हैं तो आप अपने बच्चे के माँ बाप के हर लोगों के सपना को चूर कर देते हैं। आप शराब बस नहीं पीते हैं, आप अपने घर का नक्शा बदल देते हैं, अपने घर को बर्बाद कर देते हैं, अपने बच्चे को जो इच्छा और तमन्ना थी, उनकी जो सपने थे, मैं जीवन में कुछ करूंगा, कुछ करूंगी, एक बच्चों की तमन्ना थी, उन सारे सपने को आप चूर कर देते हैं। आप कितने पीछे चले गए? कई साल पीछे चले गए, आप कई साल पीछे चले गए। कैसे हम जिंदगी को बर्बाद करते हैं? देखिए, क्या इतनी सारी मैंने बातें बताई, क्या इसमें कोई पढ़े लिखे आदमी चाहिए इसके लिए? कब उठना है, कब बैठना है, कब बोलना है, कब खाना है, कब पीना है, कब नहाना है, कब धोना है, कब बर्तन की सफाई करना है, कब किचन की सफाई करना है, कब कैसे बोलना है, इसके लिए क्या पढ़ने लिखने की जरूरत है? बहुत ये तो अनाड़ी आदमी भी कर सकता है, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं ना, इसलिए होता है, अनाड़ियों में नहीं होता है। आप देख लीजिएगा, जो अनपढ़ लोग हैं वो बिना अलार्म के उड़ते हैं, अलार्म की जरूरत नहीं है। जो अनपढ़ लोग हैं वो खाने के बाद में, चाय पीने के बाद में तुरंत बर्तन मांजते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों की कहानी है, बर्तन छोड़ देते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की कहानी है कि नहाने के बाद में 6 घंटा 8 घंटा बाद कपड़ा को धोते हैं, ये अनपढ़ लोगों की नहीं। लेकिन पढ़े लिखे लोग ज्यादा असमझ है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा अव्यवस्थित जीवन जीते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा अव्यवस्थित जीवन जीते हैं। एक साधारण से कपड़ा धोने के बाद में एक अनपढ़ आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वही कपड़े को ऊपर से लाता है बिस्तर में और उसको मोड़ करके लाइन से तह करके एक के बाद एक रख देता है, बिना प्रेस किए वो कपड़ा दूसरे दिन अपने तकिया में रख करके सो जाता है, वो कपड़ा बिना प्रेस के पहनने लायक हो जाता है। लेकिन एक पढ़े लिखे आदमी है, एक सप्ताह कपड़ा पहनेगा, उसको बोरा में ठूस करके भरता जाएगा, एक सप्ताह बाद उसको प्रेस करवाएगा, धुलाई में भेजाएगा, और धुलाई में ले जाने के बाद में उसको एक साथ जब इकट्ठा हो जाए 15-20 जोड़ी तब उसका प्रेस हो गया। कितना पीछे चला गया आदमी। हम कहीं अपने जीवन को ऐसे पीछे तो नहीं धकेल रहे हैं? पैसा तो बढ़ रहा है, क्या हमारा विकास हो रहा है? यही विकास है हमारा, यही सीखेंगे बच्चे हमसे। और मैंने कहा अभी शराब पीने वाली की स्थिति क्या है? शराब पीते हैं, मात्र शराब नहीं पीते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, समय और शक्ति बर्बाद करते हैं, और शरीर बर्बाद करते हैं, और साथ साथ अपने जीवन को बर्बाद करते हैं तो करते हैं, साथ साथ अपने आने वाले पीढ़ी के जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देते हैं। आपका अधिकार नहीं है इसमें। एक शराब नहीं, जो भी गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये हर कोई नशा तो नशा है ना, मात्र शराब की बात नहीं है, नशा तो नशा है। आप कोई भी नशा करते हैं मतलब आप गलत करते हैं।
और जो आदमी के अंदर दुर्व्यसन होगा व्यवस्थित जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए हम हर चीज में सोचे कि हम कैसे जिए, कैसे बोलें, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे पहने, कैसे चलें, इस पर सोचे। हमारी चिंतन नहीं होती है और चिंतन की धारा गलत होती है। हम बाहर को बस चमकाना चाहते हैं। हम घर में जाए तो टाइल्स से स्पेशल चमकता हो, बेडरूम चमकता हो, क्या अंदर मन भी वो चमक बना हुआ है कि क्लेश से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं? आज से पहले आप 50 साल पीछे चले जाते हैं तो आज से 50 साल पीछे आपस में दो तीन बच्चे हैं, दो तीन बहुएं हैं, आपस में सास और ससुर हैं, आपस में प्रेम से एक साथ रहते थे, प्रेम से एक साथ रहते थे। अब शादी होते ही 6 से 7 साल भर के अंदर पार्टीशन हो जाता है और घर बिखर जाता है। आदमी अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। अब पिता को कोई नहीं रखना चाहता, माँ को कोई नहीं रखना चाहते, सब अलग अलग, माँ और पिता अलग हैं, बच्चे अलग हैं, वो बच्चे अलग हैं। क्या यही विकास है हमारा? कितना पीछे चले गए हम, कितना पीछे चले गए हम, और कितना हम अपने को धकेल रहे नरक की ओर। और इसका परिणाम क्या है? यही सत्संग नहीं सुनने का परिणाम है, सत्संग के प्रति रुचि नहीं होने का परिणाम है। ये कोई कबीर पंथ की चर्चा नहीं है, ये कबीर पंथ की चर्चा नहीं है। आप व्यवस्थित बनाइए जीवन को, कैसे जी इस पर चिंतन करिए। आप ऐसे वाणी, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। आज से करीब 600 वर्ष पूर्व सद्गुरु कबीर साहब कहे। एक साखी में पूरा जीवन बदल जाएगा। बोलना सीख जाएंगे तो आपका तरीका सीख जाएंगे। आप बोलना सीख जाते हैं तो आपके बच्चे आपके प्रिय हो जाते हैं। और बोलना नहीं सीखे तो, बोलना नहीं सीखे तो महाभारत युद्ध शुरू हो जाएगा। और नहीं बोलने सीखने का ही परिणाम है महाभारत युद्ध। आप जानते हैं जब राजस्व यज्ञ होता है और राजस्व यज्ञ में वहां पर दुर्योधन आते हैं और यज्ञ में उनके महल में होता क्या है? थल जल दिखता था, जल थल दिखता था, जहां दीवारें नहीं वहां दीवारें दिखती थी। और वहां दुर्योधन आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो एक उनकी दासी दुर्योधन को कहते हैं कि महाराज जी आगे थल है, आगे जल है, आप मत जाइए। दुर्योधन आगे बढ़ता चला जाता है और अंतिम में आगे जल की ओर थल दिख रहा है। आगे बढ़ता है, जैसे पानी में गिरता है ऊपर से द्रौपदी कहती है, अंधे के अंधे पुत्र। पूरा महाभारत युद्ध का परिणाम है। यदि बोलने की कला होती तो महाभारत युद्ध होता। और ये महाभारत युद्ध एक कहानी नहीं बन गई है, अब ये घर की घटना बन गई है। हर घर में महाभारत युद्ध चल रहा है, हर घर में द्वंद छिड़ा हुआ है। आज भाई और भाई आपस में बात करना नहीं चाहते हैं, पिता और पुत्र आपस में बात करना नहीं चाहते हैं, सास और बहू आपस में बात करना नहीं चाहते हैं। दीवारें और दरारें बढ़ती चली जा रही, दीवारें खड़े होती चली जा रही है और दरारें पड़ती चली जा रही है। क्या व्यवस्थित जीवन है इसको कहेंगे हम? जब हम एक व्यवहार को नहीं सुधार सकते तो क्या हमारा परमार्थ सुधर सकता है? सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने कहा है, व्यवहार ही में तो झाल है, परमार्थ में झगड़ा कहाँ? परमार्थ अकेले की यात्रा है। यदि हमारा व्यवहार में उलझे हुए हैं हम, यदि हमारा व्यवहार खराब है तो हमारा परमार्थ की साधना नहीं सद सकता, कभी भी नहीं सद सकता। हम व्यवहार में उलझते हैं, इसके मतलब जब भी हम परमार्थ का मतलब जब भी हम आत्मा चिंतन करेंगे और अकेले बैठेंगे ना, तो जो व्यवहार में हमने जो टकराहट किया था, जो तांडव मचाया था घर में, परिवार में, साथियों के साथ में और लोगों के साथ में, वो तांडव अंदर मचना शुरू हो जाता है, वो तांडव अंदर मचना शुरू हो जाता है। दिखावा के लिए आदमी बहुत कुछ करता है, दिखावा के लिए यज्ञ करता है, पूजा करता है, लंबे चंदन चोवा लगाता है, सत्संग में भी बैठ लेता है, दिखावे के लिए होता है, दिखावे के लिए करता है, दिखावे के लिए। यहाँ तक कुछ लोग दिखावे के लिए बड़े बड़े जगहों में जहाँ नाम सिर्फ चलता है वहां आदमी दान भी करता है,
लेकिन कुछ लोग परमार्थ के लिए दान करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि यदि मैं जीवन में जो कुछ अंश कमा रहा हूँ ये अपने परिवार तक ही सीमित रखूं, बच्चों तक ही सीमित रखूं, और बच्चे एक दिन अपने मेरे साथ मेरे ही काम नहीं आएंगे, बच्चे मेरे साथ नफरत का बीज बोना शुरू कर देंगे, और मैं परमार्थ का काम ना करूं, अध्यात्म में कुछ सहयोग ना करूं, दान दक्षिणा ना करूं, गरीबों को अनाथों को कुछ सहयोग ना करूं, तो मेरा परमार्थ नहीं सच सकता है। और इसलिए दान करना चाहिए। कहाँ दान करना चाहिए ये आप जानिए। कहाँ दान? गरीबों को। एक आदमी है जिसके पास में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वहाँ दान करिए। एक आश्रम है जहाँ जन कल्याण की बातें होती है, जहाँ परिवार में ले जाकर के संपत्ति का भरण पोषण नहीं किया जाता है, ऐसे जगह दान करना चाहिए। लेकिन अब कुछ साधु में बिजनेस भी चल चुका है, समाज से पैसा लो, घर के परिवार चलाओ, चल रहा है, कबीर पंथ में भी चल रहा है, जलवा है इसका। ऐसे जगह दान करना सार्थकता नहीं है। आपका दान करना सार्थकता वहां है जहां पर परमार्थ का काम होता हो, जहां पर समाज के लिए काम होता हो। सिर्फ परिवार में आपको दूर की बात क्या कहूं, यहां से 4 किलोमीटर बगल में एक आदमी महंत है, चौका भी करता है, बहुत लोगों का गुरु भी है, इधर से गांजा भी बेचता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। और ऐसे स्थिति हुई कि गांजा के दौरान उनको जेल भी हो गया, और जेल में आज वो पड़ रहा है। 4 किलोमीटर बगल के आदमी है और महंत भी है, दान भी करता है, लोग उनसे दान भी लेता है। दान लेने का अधिकार वो नहीं, अधिकारी नहीं है वो। मैं अपना कह रहा था कि कैसे जिए। आपका बोलना सभ्य हो, मैंने बोलने के बारे में कहा, यदि सही बोलना जानती, द्रौपदी सही बोलने के तरीका जानती तो महाभारत युद्ध नहीं होता। और आप सही बोलना जानते तो आपके घर की संपत्तियां बट सकती, संपत्ति का बंटवारा हो जाता, घर में 2 भागों में 4 भागों में संपत्ति बट जाता। लेकिन भाई और भाई का प्रेम नहीं बढ़ता, पिता और पुत्र का प्रेम में दरारें नहीं आती, देरान और जेठान के आपस के प्रेम में दरारें नहीं आती। हमने जीने का तरीका नहीं जाना, कैसे जीना चाहिए इस पर आत्मचिंतन नहीं किया, जीवन बिगड़ता चला गया, जीवन बिगड़ता चला गया। इसलिए आदमी को अब इतनी एजुकेशन बढ़ती चली जा रही है, पढ़ाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, पर भी लोगों को सभ्यता मालूम नहीं है। टॉयलेट से निकलते हैं, कुछ लोगों को हाथ मांजने भी नहीं आता है, हाथ भी नहीं मांजते हैं। टॉयलेट से निकलते हैं उसी जिस हाथ से गंदगी साफ की, उसी हाथों से दरवाजा छू लिए, उसी हाथों से टोटी छू लिए, सब तो अशुद्ध कर दिए। आपकी एक क्रियाकलाप कोई आदमी देखे तो उनको लगे कि आदमी का तरीका ही कुछ अलग है, इनका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, नहाने धोने का तरीका, ये आदमी लगता है कुछ अद्वितीय है। और इसी अद्वितीय महापुरुषों में सद्गुरु अभिलाष साहब को लोगों का क्रियाकलाप देखते थे और हम लोगों को टोकते थे। हम लोग कपड़ा पहने रहते थे, ये कपड़ा ऐसे गिर रहा है, और पारस कर रहे थे तो पीछे बुलाते और कपड़ा को बुलाते और पीछे ऐसे कमर में खोच देते, कपड़ा नीचे नहीं जाना चाहिए। हम लोग कभी बरस करते होते तो बरस करते समय यदि झाग बाहर आ गया तो बुलाते, ये झाग बाहर नहीं निकलना चाहिए मुंह से, सावधान, ये जीने का तरीका है। और बोलते बोलते तो भी इतना उनका खाना पीना एकदम टाइम बाय टाइम, यदि और दिन में 12 बजे भोजन करते हैं, करेक्ट 2 बजे उठते और उठते ही टॉयलेट जाते, बिना घड़ी देखे, घड़ी नहीं देखते गुरुजी, घड़ी नहीं देखते, उनका टाइम था एकदम फिक्स। वो हर चीज ही जीने का तरीका है। रात्रि में 8:30 बजे सो जाते, लगभग लगभग 3 बजे 2:30 बजे करेक्ट उठ जाते और 1 घंटा घूमते, ये जीने का तरीका है। जब पूरी दुनिया सोने की तैयारी करती है, अब 12 बजे रात नहीं है, 12 बजे रात नहीं है। अब हमारे भारत देश में, अन्य देशों की बात छोड़ दीजिए, भारत देश में 12 बजे रात नहीं है, 12 से 1-12 बजे के बाद लोग सोते हैं। जब पूरी दुनिया सोने की तैयारी करती है 1-2 बजे तो गुरुदेव जी उस समय उठते थे, और आज भी संत लोग लगभग लगभग 4 बजे उठते हैं। और लोग कितने बजे सोते हैं? 12 बजे सोते हैं और लगभग 6 से 8 बजे तक सोते हैं, 6 बजे तक तो सब लोग सोते हैं। जिसे हम पढ़े लिखे लोग कहते हैं, जो व्यवस्थित जीवन लोग कहते हैं, जिसे हम धार्मिक लोग कहते हैं, वो लोग भी 6 से 8 बजे तक फर्राटे भरते रहते हैं। जब सुबह सुबह
प्रेम का जीवन जीना चाहिए। सुबह सुबह राम नाम जपना, राम नाम मतलब बाहरी राम की नहीं चर्चा करता हूं मैं। बाहरी राम नाम जपने से जीवन में परिवर्तन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। नहीं, कबीर की जपने की बात करता हूं मैं। अंदर राम नाम, अपने अंदर अंतरात्मा की जपन करना है। मुझे कैसे जीना है, सुबह उठ जाइए, सुबह सुबह उठ जाइए बिस्तर में उठ करके 5 से 10 मिनट आप बिस्तर में बैठ जाइए और आत्मा चिंतन करिए। मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे बोलना है, मुझे कैसे खाना है, मुझे कैसे पीना है, मुझे कैसे चलना है, मुझे कैसे देखना है, मुझे कहाँ जाना है। आप चल आत्मा चिंतन करिए। रोज 10 मिनट अपने जीवन के लिए टाइम दीजिए। सुबह सुबह रात्रि में बिस्तर में सोते समय फिर बैठ जाइए, क्या मैंने सुबह आत्मा चिंतन किया था 10 मिनट? क्या उस कसौटी पर मैं कसा अपने को कि कहां कहां मैंने गलती किया, कहां कहां फॉल्ट किया? जीवन बीत जाता है, 70 साल 80 साल हो जाते हैं, बच्चे के बच्चे आ जाते हैं, बोलने की तमीज नहीं आती है, कड़वे और कटु वचन बोलना सीखते हैं। क्या व्यवस्थित जीवन कहेंगे इसको? गाली से बात शुरू होती है, बिस्तर से उठते ही गाली से बात शुरू होती है, क्या व्यवस्थित जीवन कहेंगे इसको? अव्यवस्थित जीवन। और अव्यवस्थित जीवन का परिचय है, परिणाम है, हम असफल जीवन जीते हैं, असफल जीवन जीते हैं। क्या यही सफलता है? यही सफलता है? मकान बनना, धन दौलत बनना, गाड़ी बनना, मोबाइल बनना, बच्चे बनना, परिवार बनना, ये सफलता? ये तो पहले भी होता आ रहा है और आज भी वही स्थिति रही। पहले से अब आदमी बहुत पीछे चला गया। मैं बताया ना कैसे पीछे चला गया है, बहुत पीछे होता चला गया है और अपने जीवन को बहुत पीछे हम खुद ले जा रहे हैं। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूं तो कहा करता हूं कि कम से कम आपके घर में जिन लोगों को मानते हैं, जिस गुरु से जुड़े हैं, जिस परंपरा से जुड़े हैं, उन परंपरा के लोगों को बुलाइए और 6 महीना में, साल भर में 1 बार 2 बार बुलाइए। बर्थडे प्रोग्राम है घर में, माता पिता नहीं है उनके यादगिरी में है, कम से कम 1 दिन 2 दिन बुलाइए, कुछ ज्ञान चर्चा करिए, जीवन के बारे में प्रश्न पूछे कैसे जीना है, इस बारे में चर्चा करिए। आज भारत सरकार के कितने टेंडर चल रहा है, कैसे विकास किया जाए, बच्चे कैसे पढ़े लिखे आगे हो और पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे फैक्ट्री डाला जाए, इस पर विकास है। क्या ऐसा कोई एजुकेशन है भारत सरकार के पास जहाँ जीवन को बनाने का, जहाँ मन को सही करने का ऐसा कोई केंद्र है सरकार के पास? ऐसा कोई केंद्र नहीं है और इसी का परिणाम है हम अव्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। जापान में आज भी बच्चों को, स्टूडेंट को वहां मेडिटेशन ध्यान कराया जाता है, आज भी। क्या हमारे पास ऐसा कोई साधन है? इसलिए हम सब आत्मचिंतन करें, कैसे जिए, यही सबसे सुंदर तरीका है। आप सुंदर जीवन जीना शुरू कर देते हैं। व्यवस्थित जीवन, व्यवस्थित जीवन, व्यवस्थित, एक उदाहरण दूं, व्यवस्थित जीवन का सरल सा उदाहरण दूं मैं। कोई आदमी सुबह सुबह स्नान करने के बाद में सुबह सुबह 2 बाल्टी कपड़ा धोता है और 2 बाल्टी कपड़ा धोकर के छत पे फैला देता है, छत पे फैला देता है और सूखने के बाद में उन कपड़ों को लाता है और कपड़ों को ला करके आलमारी खोलता है और आलमारी खोल करके जैसे कोई आदमी भूसा को बोरा में भरता हो वैसे आलमारी में ठूस करके भर देता है। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका क्या है? वही कपड़े को आदमी लाता है, बिस्तर पे रखता है, उनके पास शक्ति और क्षमता है तो प्रेस ऑन करके हर कपड़े को प्रेस करता जाता है और एक के बाद एक तह करके रखता जाता है। प्रेस नहीं है तो उसी कपड़े को मोड़ करके एक के बाद एक रखता जाता है, सुंदर रूप व्यवस्थित ढंग से रख देता है। इस उदाहरण से आप क्या समझते हैं? ये जीने का तरीका है। एक आदमी अपने जीवन को पैरा और भूसा की तरह ठूस रहा है और एक आदमी अपने जीवन को व्यवस्थित कपड़े की तरह प्रेस करके रखते हुए जैसे रख रहा है। हम कैसे जी रहे हैं, अपने जीवन को कैसे ले जा रहे हैं? जैसे भूसा और पैरा होता है ना, वैसे ठूस रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं, कुछ भी कर ले रहे हैं, कुछ भी बोलने का, चलने का, फिरने का, खाने का, नहाने का, धोने का, सब तरीका अव्यवस्थित हो गया है। गलत जीवन, गलत ढंग से जीना, ये हमारा असफलता का पहचान है। इसलिए हम सफल जीवन जिए, व्यवस्थित जीवन जिए, सुंदर जीवन का निर्माण करें। और कैसे जिए, आप सब लोग घर में सुबह सुबह आत्मचिंतन करें तो शायद आप सुंदर जीवन जीना शुरू कर दें। आप संकल्प ले लीजिए, आपके जीवन में बहुत सारे चैप्टर होंगे, बहुत सारे चैप्टर में उसमें
उसमें एक चैप्टर जोड़ लीजिए, अब मुझे अच्छा जीवन जीना है, उसके लिए कैसे जीना है, कैसे जिए, इस पर आत्मचिंतन करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।